किताब मैं लेके आया हूँ। इस किताब में मैं सारी बातें लिखूंगा, सारी कहानियां लिखूंगा, सब कुछ बिल्कुल कहते ना दुनिया से छुपा के इसमें हर एक चीज लिखूंगा अपनी। और उसके बाद मैं इसको ना कभी किसी तक पहुंचने नहीं दूंगा। इसका कोई मूल्य नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि कभी इसका कोई मूल्य लगाया जाए। ना कोई इस तक पहुंचेगा, ना मैं इसको कभी किसी तक पहुंचने दूंगा, क्योंकि इसमें कहानियां हैं मेरी और उसकी, और वो बहुत खास है मेरे लिए। जब सब सो जाएंगे ना, उसके बाद धीरे से इसको पढ़ना शुरू करूंगा और वापस पहुंच जाऊंगा उस पल पे जब वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। बहुत खुश रहते हैं पता है हम लोग एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा खुश। और होता है ना कि कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी, फिर आप ये पूछते हो कि ये हमारे इतना पास था और हमें मालूम ही नहीं था। कुछ ऐसा ही था मेरा और इसका, तो मैंने सोचा कि मैं इसको लिखूंगा, इसमें सब कुछ लिखूंगा। पता है क्या, 4 साल हम लोग एक ही कॉलेज में थे, कभी हम लोगों ने एक बार एक दूसरे से बात तक नहीं करी। और जब यहां से सारा बोरिया बिस्तर बांध के मैं वापस जा रहा था, तो ट्रेन की सामने वाली बोगी में वो चुपचाप बैठी अपनी नॉवल पढ़ रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा कि आप कहां से हो, पता चला कि मेरे ही कॉलेज से। और उसके बाद क्या था कि मतलब हमारी जॉब भी एक ही जगह, नौकरी से लेकर घर, हम लोग सब। और आज हम लोग 3 साल निकाल चुके हैं एक दूसरे के साथ, कभी नहीं सोचा था। पर पता है क्या, मतलब मैंने पर्सनली ये चीज महसूस करी है कि पता नहीं इसको क्या हो गया आजकल। मतलब नॉर्मल सी बात है, जब आपस में बात कर रहे हैं, जब मैंने तुमको बोला है और तुमने मुझे बोला है ये बात कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, ये तो सबके अंदर होती है ना। पता नहीं ये क्या ड्रामा लगा के रखा है इसने कि मेरे को आजकल टाइम चाहिए, मेरे को अपनी स्पेस चाहिए, क्या ड्रामा है ये। मतलब तुमने मेरे से बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसके बाद मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं जो बोल रहा हूं वो चुपचाप कर लो तो तुमको दिक्कत क्या होती है इसमें। एक बात बताओ, अगर जब बोल दिया कि इससे बात नहीं करनी है और एक बार मुझे फोन करो घर से निकलने से पहले, तो क्या दिक्कत होती है। यही प्यार होता है ना। सारे दोस्तों के साथ बैठेगी, उठेगी, घूमने जाएगी, खेलेगी, कूदेगी, सब। लेकिन जब बात यह आती है कि बगल में बैठे बात कर रहे हैं, तो अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। अगर हम नहीं है शहर में तो मत जाओ ना एक दिन कॉलेज। कोई लड़का आसपास घूमे पहले दिन से बर्दाश्त नहीं है, और जब प्यार करती है हमसे और हमने बोल दिया एक बार, तो नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, वरना लड़के की टांगे तोड़ के अंदर बढ़वा देंगे सारे को। और बताए क्या बोलती है, कहती है कि तुमको हम छोड़ के चले भी गए तो क्या कर लोगे, तो साथ में जो क्वालिटी टाइम पे जो फोटो खिंचाई थी ना, तुम्हारे बाप के सामने ले जाके मारेगा, बोलेंगे कि देख तेरी लौंडिया क्या फांड बना करती है बाहर। जब बोली तू हमसे कि हम प्यार करते हैं, तो एक बार जो हमने बोल दिया वही हो जाना चाहिए। यही प्यार होता है ना आजकल, यही प्यार तो होता है। एक दिन जब ज्यादा हो गया ना, तो हमने कहा कि तुमसे बात करनी है, इधर आओ। आई बात करने के लिए, कान के नीचे लगाए एक और बोले कि क्या दिक्कत है, कुछ चाहिए तो बताओ, पैसे ले लो यार। लेकिन जब हम बोलते कि जब हमने बोल दिया कि इसके साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, किससे कब बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, सब हम डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि हमसे ना प्यार करती है। पता नहीं क्या ड्रामा है इसका भी। खैर, समय के साथ साथ समझ जाएगी कि कैसे रहना है। अभी थोड़ा एडजस्ट कर रही है, पर इसमें कहानियां मैं सारी लिखूंगा, पढ़ेंगे।